माता के प्यादने में आप सबका स्वागत है। आई होप से आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से मतलब हम सब ठीक हैं। तो आज मेरा छोटा सा ब्लॉग है, मैं दिन भर क्या करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल जा रही हूँ चाय बनाने, फिर उसके बाद मिलती हूँ। मेरी चाय और ये है मेरा गैस पे दूध उबल रहा है। अब मैं इसी दूध को इसमें थोड़ा सा डालूँगी। मेरी और मेरे हस्बैंड की हम दोनों की चाय है, ये बन जाए फिर आप लोग से मिलती हूँ। मेरी चाय छन गई, ये मेरे हस्बैंड की चाय छन रही है, ये हमारी चाय हो गई। अब हम अपने हस्बैंड को चाय देने जाऊँ, फिर मिलती हूँ। ये मेरी चाय, ये मेरा पाव। तो फ्रेंड्स मैंने चाय पी ली है, अब चलो चलती हूँ सफाई करने के लिए, झाड़ू मारने जा रही हूँ। और सोफे के क्या हाल किए हैं बच्चे लोग मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे सोफों की चादरों को ऐसे बिखेर के रखा है। अब इनको सब चटाई वगैरह उठा के पूरा सफाई कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सफाई कर रही हूँ, ठीक है सब जगह तो मैंने कटका मार लिया है, अब किचन में मार लूँ फिर मिलती हूँ। हॉल में हो गई सफाई, अब किचन में लगा रही हूँ कटका, कटका लगा लूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स मैंने झाड़ू पोछा दोनों कर लिया है, अब बारी है बर्तन की। फ्रेंड्स ये मेरे कुछ बर्तन रात के हैं और कुछ अभी हमने चाय पिए थे वो हैं, तभी इनको धोना है, इनको धो लूँ मैं। तो फिर फटाफट धो लें हम अगले इसको, उसके बाद फिर मैं बहुत काम है अभी तो फटफट कर लूँ, बर्तनों को धो के साफ कर लूँ। बर्तन घस लिए हैं अभी धोने बाकी हैं। फ्रेंड बर्तन घस लिए हैं अभी मैं धो लूँगी, इनको धोने के बाद देखते हैं क्या बनाना है खाना। आपको साथ कुछ अच्छा बना तो शेयर करो। तो फ्रेंड्स हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं, हमारे बेसन भी साफ़ हो चुका है, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। क्या बनाना है पहले डिसाइड कर लो फिर। तो मैंने हॉल की चादरें पूरी सोफे की सेट कर दी है, टेबल को साइड में रख दिया है, पूरा झाड़ू पोछा मार के एकदम क्लीन कर दिया है। तो ये मेरा छोटा सा सोफ़ा और ये मेरा हॉल, इतना प्यारा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया, बर्तन भी धुल गए, खाना बनाने के लिए डिसाइड ही करी थी। ननंद का फ़ोन आ गया कि खाना मत बनाना क्योंकि कुने की न्यास की दावत है। तो हमें ससुराल में कैसा है ना कि कोई भी रिलेटिव के घर पे हम जाते हैं कुने की न्यास के लिए, तो वहाँ पर खाने का इंतज़ाम होता ही है न्यास के साथ में। तो इसके लिए आज दोपहर का खाना बनाना नहीं है, तो अब जब रेडी हो जाऊँ फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे सारे काम हो गए घर के और हम जा रहे हैं न्यास खाने कुंडू की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, अगर टाइम मिला वहाँ पे मतलब शूट करने का मिला तो मैं शूट करके आप लोग दिखाऊंगी वहाँ पे किस तरीके से डेकोरेशन मतलब जो भी सजाया गया न्यास की जो भी तैयारी है वो सब आपको दिखाऊंगी। और नहीं मिल पाया करने शूट तो घर पे ही डायरेक्ट मिलूंगी। जा रही हूँ, मेरी ननंद जा रही है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड, हम जा रहे हैं। प्यारे झाड़ मुझे बोलती ना कि नहीं वहाँ पे हम आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँ, मुँह हाथ धो लूँ, चाय बना लूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने मुँह हाथ धो लिया है और ये मेरी शाम की चाय है, और अब मैं चाय पी लूँ, फिर और एक जगह जाना है कुंडी की न्यास की दावत में, अब वहाँ पे जाना है। और जो भी मैंने दिन भर शूट करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक जगह और न्यास थी वहाँ पे, मतलब दो जगह मैं न्यास खा गई, माशाल्लाह दोनों जगह बहुत अच्छी न्यास बनी थी। और मतलब जो न्यास का जो जगह था वो बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया था, वो भी मैंने आप कैमरे में लिया है, आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर मेरे वीडियो में। और जो दूसरी जगह गई थी वहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था कुंडी की न्यास,
और खाने में बहुत अच्छा था। सरकार की नियाज है तो माशाल्लाह तो अच्छी बनती ही है। बस मैं आज का अपना वीडियो यहीं एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सना की पैदल का सब्सक्राइब करना। जिसने अब तक सना की पैदल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जो मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।